नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पीएम मोदी ने शनिवार को पलामू और गुमला में जनसभा की। पलामू में पीएम ने भीड़ देखकर कहा कि आप लोगों ने जेएमएम कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए। पीएम मोदी ने लोगों को वोट की ताकत बताई। उन्होंने कहा, आपके एक वोट से अजराम मंदिर बना। जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 370 हट गई। पीएम ने कहा कि आपके आशीर्वाद से मोदी पर 25 साल में एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मोदी मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ है। परिवारवाद पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ये लोग अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। मेरे पास न साइकिल है न घर। मेरा परिवार और वारिस तो आप लोग हैं। मैं आपको विकसित भारत देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों को मेरे आंसू अच्छे लगते हैं। कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया में जाकर रोती थी। आज पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर रोता है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। मजबूत भारत आज मजबूत सरकार ही चाहता है। पीएम ने कहा कि मां भारती का अपमान नहीं सहेंगे। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। भारत ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पहले कोई समय ऐसा नहीं होता था कि देश की सेवा करते करते नौजवान सीमा पर शहीद ना होते हों। पहले यह हर महीने चलता था, आज ये सब बंद हो चुका है। ये आपके वोट ने किया है। वहीं गुमला में उन्होंने कांग्रेस और ईडी गठबंधन को घेरा। पीएम ने कहा, ये मेरे खिलाफ वोट जिहाद कर रहे हैं। ये कुछ भी कर ले, लेकिन देश पीछे हटने वाला नहीं और मोदी डरने वाला नहीं। ईडी गठबंधन को मूर्खों का सरदार बताते हुए कहा कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाते हैं कि मैं आऊंगा तो आरक्षण खत्म कर दूंगा। मैं तो 10 साल पहले ही आ चुका हूं, दो बार से पीएम भी हूं। सच तो ये है कि ईडी गठबंधन वाले आपके आरक्षण पे डाका डालकर उसे मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं हूं ऐसा होने नहीं दूंगा। पीएम ने कहा कि झारखंड में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। यहाँ की सरकार से कुछ नहीं होगा तो मुझे ही दिल्ली से बैठकर डंडा चलाना पड़ेगा। हमने पेपर लीक के लिए बड़ा कानून बनाया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।